हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन चिल्ली। बहुत ही लाजवाब डिश है ये और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए आज कुछ तीखा, मीठा और कुछ चटपटा बनाते हैं। सोयाबीन चिल्ली बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े बाउल में सोया चंक्स लिए हैं। इन्हें हम एकदम गर्म पानी में अच्छी तरह से भिंगो कर रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट होकर एकदम स्पंजी हो जाए। तो 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो देखिए, 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से फूल गए हैं और एकदम स्पंजी हो गए हैं। तो इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि हम इन्हें टच कर पाए। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से स्क्वीज करके निकाल लेते हैं। तो सारा पानी हमें इस तरह से स्क्वीज कर लेना है। अब यहाँ मैं एक दूसरे बाउल में इनको निकाल रही हूँ इस तरह से। अब इसे मैरिनेट करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। अब मैदा डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सोया चंक्स को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो इसमें हम सोया चंक्स डाल देते हैं। एक बार में हम ज़्यादा चंक्स नहीं डालेंगे। अब इन्हें हम हल्का हल्का सा चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, सोया चंक्स फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे बैच के सोया चंक्स भी शैलो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने सारे सोयाबीन्स को शैलो फ्राई कर लिया है। इन्हें अभी हम साइड पर रख देते हैं और इसके लिए हम ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए वापस से मैंने उसी सॉस पैन में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन्हें हम 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि इनकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। तो देखिए, यहाँ मैंने इन्हें हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च। इसे मैंने लंबा स्लाइस किया था। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने डाइस किया था। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, इसे भी मैंने चौकोर कट कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा सॉटे करेंगे। इन्हें हम ज़्यादा कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका क्रंची सा फ्लेवर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने इन्हें हल्का सा सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस। 2 बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है और आप ज़्यादा तीखा लाइक करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 छोटा चम्मच मैं विनेगर डाल रही हूँ और यहाँ मैं 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक डालते वक्त आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और जब हमने सोया चंक्स को मैरिनेट किया था तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया था। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ मैं 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ इसमें। इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं कि इसमें एक उबाल आ जाए। तो देखिए, सब्जियों में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर
इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जस्ट 4 से 5 चम्मच के करीब, और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने चिल्ली की ग्रेवी तैयार की है उसमें हम इस कॉर्नफ्लोर की स्लरी को ऐड कर देंगे। तो एक हाथ से हम स्लरी डालेंगे और एक हाथ से हम मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि कॉर्नफ्लोर में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमारी ग्रेवी का कलर कितना सिल्की हो गया है और कितना स्मूथ। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें सोया चंक्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने सारे फ्राई किए हुए सोया चंक्स को डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ हमारी टेस्टी डिलीशियस सी सोया चिल्ली बन करके तैयार है। इसे हम गार्निश कर देते हैं थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के साथ, तो देखने में ये और भी डिलीशियस लगेगी। तो इसे हम सर्व करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म। तो यहाँ मैंने इन्हें सर्व कर लिया है और बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग बनी है ये सोया चिल्ली। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मैं एक ही बात इसके लिए बोलूँगी, यम्मी एंड मस्ट ट्राई। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।